मोदी जी ने दुनिया के अंदर आपके सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है। मुझे याद है यही संकट मोचन मंदिर काशी पे हमला हुआ था, मुझे याद है अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, मुझे याद है जब अयोध्या काशी और लखनऊ की कचहरियों पर हमला हुआ था। बहन और भाइयों, देश के अंदर अनेक विस्फोट हुए और जब भी हम लोग बोलते थे कांग्रेस की सरकार से, समाजवादी पार्टी की सरकार से कहते थे भाई आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। सीमा पार हम भौचक रहते थे, हम कहते थे भाई ये इतना साधन संपन्नता किस बात के लिए है अगर हम अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकते। बहन और भाइयों, ये अपराधियों के सामने, माफियाओं के सामने, आतंकवादियों के सामने घुटना टेकने वाले लोग हैं। और आज आप देखते होंगे आतंकवाद भी मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त हुआ, नक्सलवाद भी समाप्त हुआ, अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, वो कहता मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेगा भी, पाताल लोक से भी निकाल करके और फिर जहन्नुम की तरफ भेजने का काम करेगा।